भीमसेन सुनतालिया का सवाल ऐसा है कि शनिवार को कोई भी लोह की आयन की वस्तु खरीदना यह अपशकुन माना जाता है तो इसके पीछे कोई तथ्य है क्या देखिए हमारे भारत में अलग अलग ढंग की अलग अलग मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं के पीछे कोई मतलब भी नहीं ऐसी भी मान्यताएं हैं जैसे सोमवार को बाल नहीं काटने चाहिए अब इसके पीछे तो कोई कारण नहीं है कि सोमवार को बाल नहीं काटने चाहिए शनिचर को शायद कुछ लोग मानते हैं ये सभी मानते हैं ऐसा नहीं है कि लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए अब इसके पीछे कोई कारण भी दे तो उस कारणों को कोई मतलब नहीं है भाई सोमवार को बाल काटने से क्या बिगड़ता है अब सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये नाम तो हमने दिए दिन में तो कोई फर्क होता नहीं है सोमवार को सूरज अलग ढंग से उगता है मंगल को अलग ढंग से उगता है ऐसा तो कुछ होता नहीं है या फिर अलग ढंग से डूबता है ऐसा भी होता नहीं है तो ये सोमवार मंगलवार बुधवार ये नाम तो हमने सहूलियत के लिए दिए है इन नामों को कोई मतलब ही नहीं है सोमवार यानी फिर चंद्रमा का वार होता है ऐसा कुछ नहीं है कि उस दिन चंद्रमा कोई अलग ढंग से अपना काम दिखाता है मंगलवार मंगल ग्रह कोई तरी अलग ढंग से काम दिखाता है ऐसा कुछ भी होता नहीं है शनिवार को शनि नाम का ग्रह कुछ अलग ढंग से बर्ताव करता है ऐसा तो होता नहीं है इसका कोई संबंध नहीं है कोई लॉजिक नहीं है फिर भी हमने ये नाम दिए है उसके आधार पर कोई मतलब हम निकालते रहते हैं अभी जैसे बाल काटने में कोई मतलब नहीं है वैसे कोई भी लोहे की चीज खरीदने में कोई मतलब नहीं है आप खरीदिए नहीं खरीदिए आपका चॉइस है आपको जरूरत है तो शनिवार को ही खरीदिए कुछ बिगड़ता नहीं है अब शनिवार को तेल चढ़ाते हैं शनि को क्योंकि शनि मंदिर को शनि भगवान को शांत करना है अभी तेल चढ़ाते हैं अब ये तेल कितना चढ़ाते हैं छटाक भर तेल चढ़ाते हैं शनि का आकार कितना है पता है शनि का आकार पृथ्वी के कई गुना है कई पृथ्विया उसमें बैठ सके इतना बड़ा ग्रह है उस शनि को तेल चढ़ाना है तो पूरे पृथ्वी का तेल भी उंडेल दे तो भी चढ़ाना पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा उसका आकार है यानी पृथ्वी पर आज तक जितना तेल पैदा हुआ उतना भी डाला तो भी पूरा तेल चढ़ेगा नहीं शनि ढकेगा नहीं इतना बड़ा आकार शनि का है फिर भी हम उसको तेल चढ़ाते अब ग्रह का हम पर कोई परिणाम होता है ऐसा अगर आप मानते हैं तो यहां तेल चढ़ाने से वो कैसा क्या शांत हो जाएगा और ये तेल शनि ग्रह तक पहुँचेगा कैसा क्योंकि वातावरण के बाहर तो तेल जाने वाला नहीं है यानी तेल की भाप भी हो गई तो उड़ उड़ के कितना जाएगी 200 किलोमीटर तक जाएगी और शनि का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है वहाँ तक तो कुछ भी पहुँचना संभव नहीं है तो ये सब बेतुकी बातों पर हम विश्वास रखते हैं ये सभी अंधविश्वास है इसके कोई तथ्य नहीं है इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी बातों को आप मत मानिए चाहे उस दिन शनिवार को चाहे लोहे की कोई चीज़ आपको ख़रीदना है खरीदा खरीदिए अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सही में इससे नुकसान होने वाला है तो डेफ़िनेटली खरीदिए और देखिए सही में क्या नुकसान होता है लेकिन एक शनिवार को नहीं दस बारह शनिवार को हर शनिवार को खरीदते जाइए और देखिए जाँच कर देखिए सही में नुकसान होता है क्या और बारह के बारह बार आपने ख़रीदा तो बारह के बारह बारह बार नुकसान हुआ क्या तो हमको पता चलेगा और ये डर को मन से भगाने का ये एक तरीका है कि जिस चीज़ का हमको डर लगता है जिसके बारे में हमारे मन में आशंका है वो चीज़ डेलीबरेटली करके देखो ताकि हमको पता चले उसमें सच्चाई कितनी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विज़िट करें ऐसे सारे वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं